हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मेरा ये जो ब्लॉग है ना, शुरू हो रहा है शाम के 7 बजे। तो मैं ना यहाँ पे सत्तू के पराठे बना रही हूँ, क्योंकि मेरा सब्जी ना सुबह बना था तो वो मतलब बहुत कम रह गया था। तो मैंने सोचा कि सत्तू के पराठे बन जाएंगे तो हो जाएगा सबका। तो यहाँ पे ये देखिए, पहला पराठा मैंने रेडी कर लिया था। मैंने बहुत पहले से ही रेडी स्टार्ट किया था करना। और कपड़े भी अभी देखिए, इतना बारिश हो रहा था ना तो कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। तो कपड़े भी मेरे देखिए सुबह से बाहर ही पड़े हैं, क्योंकि सूख नहीं रहे हैं इसीलिए। तो मैं रोटी वोटी बना लूँगी ना, उसके बाद ही कपड़े उतारूँगी। तो ये पराठे पहले मेरा सीख जाए। और ये देखिए, अभी मैंने पहले ही पराठा बनाया था, अभी दूसरा। और उसके बाद ये देखिए, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 7 ही बजे है। और घर भी पूरा उथल पुथल हो रखा है, क्योंकि बारिश की वजह से ना कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पे ना मेरा पराठा बन चुका है ऑलमोस्ट। तो मैंने सोचा पहले कपड़े उतार लेती हूँ क्योंकि फिर है ना बहुत रात हो जाएगी। क्योंकि अभी रोटी बनाना स्टार्ट किया था तब तो 7 बजे थे, और अभी 7:30 से लगभग हो गया टाइम। तो कपड़े उतार लूँगी, नहीं तो ठंड सीले सीले हो जाएंगे, क्योंकि बारिश का कोई ठीक नहीं है कब बारिश हो जाए। अभी आज तो मतलब सुबह से थोड़ा सा मतलब बारिश हुआ था, उसके बाद थोड़ी सी धूप हो गई थी ना, तब से मतलब कपड़े बाहर ही हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक पराठा खाली रह गया था, और उसके बाद मेरा ये ख़त्म हो गया और मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। और ये देखिए, कपड़े सब मैंने उतार के, और अभी सीधे मॉर्निंग के टाइम मिल रही हूँ। तो यहाँ पे ना नहाना धोना, घर में पूजा वगैरह सब मैंने कर लिया है। और घर में पूजा के बाद यहाँ पे मैं आ जाती हूँ जल ढालने, जो मैं शुरू से ही डालती थी। तो ये पहले तो मेरे घर के सामने पड़ता था, लेकिन अभी मैं तो उधर चली गई, तो बस वहाँ से मुझे आगे करना पड़ता है। और पूजा करके आ गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने चाय वगैरह चढ़ा के पी लिए थे हमने। उसके बाद ये दाल है ना, दाल भिगो दे रही हूँ, क्योंकि अभी दाल दो बार दाल बनेगी। जैसे एक बार दाल बनेगा तो वो तो खाने का, और ये दूसरा टाइम का बनेगा। ये चने की दाल है, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पहले मैंने इसे भिगो दिया है, क्योंकि 2-3 घंटा भीग जाएगा ना, तो फिर उसके बाद मैंने इसे कुकर में छौंका लगा दूँगी, क्योंकि इसकी पूड़ी बनेगी इसलिए शाम को। और उसके बाद मैंने ये साग ले आए थे, तो मेरा एक सब्जी तो बन चुका है, आलू का गोल गोल करके फ्राई जो होता है ना, मसाले वगैरह डाल के वैसा सब्जी मेरा मैंने कट करके छौंका लगा दिया था। और दाल भी यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है, और चावल अभी मेरा बाकी है। तो बस बाकी ये देखिए, ये वाला अभी सब्जी मेरा, एक सब्जी बन गई है, और दूसरा सब्जी अभी मैं कट करूँगी। और तब तक मेरा ये वाला आलू फ्राई हो चुका है। और ये पूजा करने गई थी ना, तब भी मैंने ये कट करके चढ़ा दिया था, क्योंकि इसे टाइम लगती है फ्राई होने में। तो ये फ्राई हो जाएंगे, फिर उसमें नमक वगैरह मैंने डाल दिया था, सूखी मिर्च जो मिर्च पाउडर होती वही। और उसके बाद यहाँ पे ये साग को ना मैंने धो के कट करके वो इसे ऐसे ही कढ़ाई में रख दिया था, ताकि इसका पानी पूरा सूख जाए। और जब इसका पूरा पानी सूख जाएगा तब मैं इसे तड़का लगाऊंगी, तो वैसे जल्दी हो जाता है। और उस तरह छौंका लगाती हूँ ना तो बहुत टाइम लगता है, बहुत तेल की वजह से ना पानी सूखता ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरा पूरा पानी इसका निकल गया था। उसके बाद मैंने, और आज का जो खाना बन रहा ना मेरा, ये सुबह से लेके और शाम तक पूरा मेरा बिना लहसुन प्याज का ही आज खाना बनेगा, क्योंकि कल हम लोगों का व्रत है इसीलिए। तो इसीलिए सिर्फ बिना लहसुन प्याज का ही सब्ज़ी बनेगा आज, दाल वगैरह किसी चीज़ में लहसुन प्याज ही डालूँगी। और ये कुकर में एक बार दाल बन चुकी है, ये दूसरे बार का जो चना का दाल थी ना, तो वो भी 1-2 घंटा हो गया उसे भी। और यहाँ पे मेरा साग भी कम्प्लीट हो गया, और इसमें मैंने जीरा और सूखी मिर्च से और हींग से तड़का दे दिया है। और इसके बाद दाल, भीगी हुई दाल मैंने डाल दिया है, और उसमें नमक और हल्दी, थोड़े थोड़े नमक और थोड़ा थोड़ा हल्दी डाल के इसे बंद कर दूँगी। ये 2-3-4 सीटी बजेंगे ना, तब तक ये पूरा सूख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा हो गया है। और अभी सीधे दोपहर का ही टाइम था, मतलब 3-3:30 बज रहे थे। तो ये देखिए लड्डू, यहाँ पे ये सबसे पहले ना मैं सेमई है ना, थोड़ा सा सेमई था, तो पहले मैं वो फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि
आज ना बिना बिना लहसुन प्याज का सब्जी वगैरह सभी कुछ बन रहा है ना, तो थोड़ा सा मीठा में व्रत है ना कल, तो इसीलिए थोड़ा सा मीठे में मैं सेमई बना लूँगी। और यहाँ पे ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है और ये नारियल मैं कट कर रही हूँ, थोड़े बड़े साइज के थे, और काजू है और किशमिश है, तो इनको मैंने रख लिया है निकाल के। और ये देसी घी में फ्राई हो चुके थे सेमई, तो फिर मैंने इसमें दूध में मिला दिया और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाता है, तो उसके बाद चलाने में और खाने में ना बहुत दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया था। और उसके बाद इसमें चीनी ऐड कर दिया है और ये फटाफट से बन जाता है मेरा। तो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा ना मेरा ये उल्टा पुल्टा हो गया है जो कहीं का कहीं हो गया, तो ये यहाँ पे ना पनीर लाए थे सुबह ही मैंने मंगा लिया था, तो इसे ऐसे ही मैंने मतलब काट के डालती हूँ ना तो वो पूरा वो हो जाता है, फैल जाता है उसके, तो इसलिए मैंने उसे ऐसे ही फ्राई कर लिया था। और ये काजू और अदरक और एक टमाटर लिया मैंने, तो इसे फ्राई करके पीस लूँगी। तो ये देखिए ये कितने आसानी से जब फ्राई हो गए ना तो बहुत आसानी से और इजली कट जा रहे हैं। और उसके बाद ये मसाले में मैंने ये पीस के फिर थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और सूखी मिर्च डाली है, नमक और हल्दी, और ये कसूरी मेथी है, तो ये इसे भी थोड़ा सा मैंने ऐड करके डाल दिया है। और इसे अच्छे से चला के फिर इसमें पानी डाल दूँगी क्योंकि ये तो एक बार मैंने फ्राई करी चुके हैं सभी चीज़। उसके बाद यहाँ पर मैं आटा लगा लेती हूँ, तो आटा लगा के तो इस वीडियो को चलिए यहीं एंड कर देती हूँ।